हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप लवर सीरियल। मुझे काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं पर्पल की तरफ से, सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन्हें ट्राई करने के लिए। लाइक फर्स्ट टाइम मैं यूज करने वाली हूँ, इसलिए मैं आप सबके साथ इनका फर्स्ट इंप्रेशन भी शेयर करूंगी। सो यस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके देन, आई शुड टाइम माय हेयर फॉर। मैंने अपना स्किन मॉइस्चराइज कर लिया है बिकॉज इसमें मॉइस्चराइजर नहीं है। इसमें सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ NY Bae द बैलेंस्ड बोरस पीएच बैलेंसिंग स्किन न्यूट्रलाइजर। सो मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर तो अप्लाई कर लिया है, बट मैं ये स्किन न्यूट्रलाइजर उसके ऊपर स्प्रे करूंगी। सारे प्रोडक्ट के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मैं आपको बताती हूँ ये क्या क्या करता है। इजी टू अप्लाई, कीप्स द स्किन सॉफ्ट, एब्जॉर्ब्स क्विकली, हेल्प्स इन स्किन रिपेयर, acts as a protective barrier, controls sebum production. So ये oily skin के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर ये ऐसा ही work करता है तो। Okay. Wow. बहुत finely sprays आते हैं। I'll give this spray 2 minutes and देखते हैं ये 2 minutes में absorb होता है कि। So yes guys, ये बहुत क्विकली अब्सॉर्ब तो हो गया है स्किन में, बट इसे आप मॉइस्चराइजर के पहले भी स्प्रे कर सकते हो। मैंने मॉइस्चराइजर के बाद की। ओके, सो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ पर्पल ट्रू ज्वेल 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर। मैंने पर्पल के कोई प्राइमर नहीं ट्राई किए हैं तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। मैंने ज्यादा क्वांटिटी ले लिया है, आपको इतना जरूरत नहीं है। सो लेट्स अप्लाई एंड सी। मैं इसे आई प्राइम भी कर लूंगी। सो इट हैज गिवन स्मूथ बेस एंड बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है मेरा स्किन। सो लेट्स प्रोसीड। आई एम गोइंग टू यूज दिस टेक वर्की ब्राउ यू आर रिट्रैक्टिव ब्राउ पेंसिल एंड इट ऑल्सो हैज पूली आई गेस, या इट हैज पूली एज वेल। इट्स रिट्रैक्टेबल आईब्रो पेंसिल विथ स्पूली ब्राउन पेंसिल। सो फर्स्ट मैं स्पूली से ब्रश कर लूंगी। Wow guys, you can see how beautifully the eyebrow has filled and एकदम ही natural लग रहा है, बिल्कुल भी you know dramatic या फिर overly filled नहीं लग रहा है। So yes guys, my eyebrows are done. I don't have any you know foundation or any BB cream. So I'll do my base off camera and get back. So yes guys, my base is perfectly done. अब next मैं use करने वाली हूँ purple liquid lip and cheek color. This is how the outer packaging looks and this is how the inner packaging looks. ये काफी अच्छा size का bottle है. This is in the shade 7 for that fitness time. And आजकल मुझे cheeks पर lip and cheek tint ही लगाना बहुत अच्छा लगता है. Like जो creamish हो या फिर tint हो वो सब लगाना बहुत ज्यादा पसंद है. Wow, I'm super excited. Okay. I don't know इसका pigment कैसा है, but let's try. Wow. ये बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो गया। सो लिप एंड चीक लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ब्लेंड होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये कितना ब्यूटीफुली ब्लेंड हो गया है गाइस। आप देख सकते हो ये एकदम रियल टाइम है, बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है। बहुत ही अमेजिंग पिगमेंटेशन प्लस बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो गया है और रियल में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैमरे पर इतना ज्यादा पिगमेंट पिक नहीं हो रहा है। सो मैं थोड़ा सा और फ्लशी लुक चाहती हूँ, सो मैं और अप्लाई करूंगी। आई एम श्योर इसमें काफी सारे कलर्स होंगे, सो मैं डेफिनेटली इसमें न्यूड या फिर ऐसे कलर में मंगाने वाली हूँ।
बिकॉज आई लव कोरल कलर. भी काफी ज्यादा प्रिटी है, पिंकिश लुक दे रहा है. इट्स अ बिग थम्स अप टू दिस प्रोडक्ट. अगर एक भी चीज आपको इस हॉल पे से खरीदना है तो प्लीज गो फॉर इट. लाइक अप टिल नाउ देखते हैं आगे क्या क्या प्रोडक्ट्स है मुझे ट्राई करना है. सो या यू कैन सी इट हैज गिवन सच नेचुरल कश्मीरी एप्पल लुक. अब नेक्स्ट मैं अपने अंडर आईज को सेट करूंगी. आई एम गोइंग टू यूज दिस टेक क्वर्की लॉन्गर लव मेकिंग ट्रांसलूसेंट पाउडर. दिस इज इन द नंबर 01. So this is how the powder is. So मैंने कैप पर ले लिया है और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अपने अंडर आईज पर अप्लाई कर लूंगी. मैं इसे बेक नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट लाइक द फीलिंग ऑफ यू नो ड्राई अंडर आई. सो आई जस्ट डस्ट इट ऑफ. बहुत अच्छे से सेट कर दिया मेरे अंडर आईज को और बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं हुआ है. नाउ आई नो नॉट एवरीबडी लाइक्स टू यूज यू नो ट्रांसलूसेंट पाउडर. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्पल बी योर ओन BFF कॉम्पैक्ट विद SPF एंड दिस इज इन द शेड बेज सेल्फ केयर 3. सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड यू ऑल्सो गेट अ फुल साइज मिरर. You also get a puff with the compact and मुझे इसका finish बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैंने अपने face को set किया है इससे. Now next I have 3 eyeliners. One is from NY Bay and 2 is from Purple. So this is NY Bay Ellis Island Eyeliner in the shade 1 Black Pearl. And these 2 is from Purple Eye Divisor Liquid Eyeliner. One is in shade 2 Blue and other is in shade 3 Green. I really like this brush. This is the blue one. It's similar to Stay Quirky eyeliner. So it has completely dried guys और ये बिल्कुल भी smudge नहीं होता है. So I'm going to use this green kajal on my eyes today. So yes guys, the eyeliner looks so pretty and it quickly dries as well. Now of course I cannot use all the eyeliners in this one video. So surely main aage videos mein bhi use karungi because I really like the finish. I'm not an eyeliner person but iski wand bhi bahut achhi, applicator bahut acha apply karne mein. बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गया, इजीली आप लोग भी देखा. So next I have is this kajal. This is from Purple Smoky Eye Pencil Smoky Dew. खुल ही नहीं रहा. फाइनली. एंड आपको इसे शार्प करना है. बैक साइड में आपको ऐसे स्मजा मिल जाते हैं जिससे आप स्मोकी लुक क्रिएट कर सकते हो. जस्ट अप्लाइंग माय आउटर हाफ. इट इज सुप्रीमली पिगमेंटेड और बहुत ही अच्छे से ग्लाइड हो जाता है. सो यस गाइस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट स्मोकी लुक्स फ्रॉम दिस काजल. कैन एक्चुअली स्मज एंड क्रिएट अ स्मोकी लुक. So you don't need a separate brush to create a smoky look. You can just actually smudge with this itself. और जो भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे लिप प्रोडक्ट्स हैं. सो मैं हाईलाइटर अप्लाई करके आती हूँ. सो लास्ट आई हैव इज दिस 3 लिप प्रोडक्ट्स. वन इज दिस Stay Quirky किस लिप पैलेट मॉर्निंग किस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. सो एक है रानी कलर, वन इज ब्राउन शेड, वन इज मॉविश पर्पल कलर एंड अदर इज रेड कलर. This is how it looks. ये लिप पैलेट को आपको ब्रश से यूज करना होगा. So next I have is this 2 liquid lipstick. This is NY Bay Runway liquid lipstick in the shade 4 Upper East Chic style and in the shade 12 Empire State Sophisticated style.
Oh my god, it's so beautiful. The packaging is so cute. The texture is buttery soft. And this one you already saw, I'll give you a quick swatch. So I'm going to wear this shade jo maine apne cheeks par bhi apply kiya. और मैं इसके ऊपर नंबर 4 शेड अप्लाई करने वाली हूँ। So yes guys, this is the final look. I really like the lipsticks as well. बहुत ही बटरी सॉफ्ट है और एकदम ही यू नो ब्यूटिफुली सेट होता है लिप पर, बिल्कुल भी स्ट्रेची या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है दैट वो फटाफटा या नो इट विल पील, ऐसा नहीं है. सो ऑलमोस्ट मुझे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं, लाइक दिस लिप एंड चीक टिंट एंड द ट्रांसलूसेंट पाउडर, द कॉम्पैक्ट पाउडर, द प्राइमर. ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे मुझे, द लिप शेड्स बहुत ही अमेजिंग है. ये सारे प्रोडक्ट के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. एंड आई होप आप सबको फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो अच्छा लगा होगा. पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल सो मच, बाय.